Hi, Alibaba welcomes you to the 12th episode in this series. What I request to you is that if the previous 11 episodes you have not seen any of them, please go through them and definitely watch our jackpot offer video, JQ, in this series and then attempt the test in our student app. अगर ये सब आप करते हैं, 11 videos देखते हैं, उसके बाद हमारा जैकपॉट क्विज अटेम्प्ट करते हैं स्टूडेंट ऐप में, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग एकदम क्लियर हो जाएगी और हमें बताने का आपको मौका मिलेगा कि वेयर यू आर राइट, वेयर यू आर रॉन्ग और आपको कॉन्सेप्ट्स बराबर से समझ में आ रहे हैं कि नहीं. सो लेट्स कम टू टुडेज टॉपिक विच इज टैक्सेस. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टैक्सेस. लेट्स सी. टैक्स इज द मनी पेड टू गवर्नमेंट सो दैट इट कैन प्रोवाइड द सर्विसेज. गवर्नमेंट को पैसा कहां से आता है? टैक्सेस में से आता है, जिससे वो खुद सिटीजन्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर सके. एक बार अमेरिका के प्रेसिडेंट बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे, उन्होंने एक बहुत अच्छा सेंटेंस कहा था, देयर इन दिस वर्ल्ड नथिंग कैन बी सेड टू बी सर्टन. इस दुनिया में कुछ भी फिक्स नहीं है, खाली दो ही चीज फिक्स्ड है, नथिंग इज सर्टन एक्सेप्ट डेथ एंड टैक्सेस. मरना है और टैक्सेस, ये दो ही चीज फिक्स्ड है. दो टाइप के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. देर आर ब्रॉड टू टाइप्स ऑफ कैटेगरीज ऑफ टैक्सेस विच इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. नाउ लेट अस सी व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स इज पेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट बाय द पर्सन और द एंटिटी. कंपनी फॉर्म करते हैं, उसे एंटिटी भी बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन या पर्सन, उसी को डायरेक्ट पे करना है. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी पर्सन की या उसी कंपनी की है कि वो टैक्स पे करे. दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट टैक्स. एग्जाम्पल इनकम टैक्स. ओके, सबसे बड़ा एग्जांपल है इनकम टैक्स. पर्सन खुद कमाता है तो उसे भी इनकम टैक्स पे करना पड़ता है. एंड सेम वे कंपनीज भी बहुत ज्यादा कमाती हैं तो उनको कॉर्पोरेट टैक्स पे करना पड़ता है. कॉर्पोरेट टैक्स इज नथिंग बट इनकम टैक्स फॉर द कंपनीज. उसी तरह से वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस. ये उनको खुद भरना है, वो ट्रांसफर और किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कर सकते. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इनकम टैक्स, लेट अस टॉक अबाउट टीडीएस ऑल्सो. TDS क्या होता है? इट इज नथिंग बट इनकम टैक्स पेड इन एडवांस. जब मुझे कोई पेमेंट मिल रहा है तो मुझे जो पेमेंट कर रहा है दैट पर्सन डिडक्ट्स 1%, 2%, 10%. देर आर डिफरेंट रूल्स, उसके ऊपर हम बाद में आएंगे. लेकिन सपोज मुझे 10,000 रुपया मिल रहा है और मेरा 1% रुपीज TDS उसको काटना है 1%, तो वो 100 रुपीज काट के एंड देन ही विल पे मी 9,900 रुपीज. दैट 100 रुपीज आर डिपॉजिटेड टू द गवर्नमेंट By him, जो मुझे पे कर रहा है वो गवर्नमेंट को 100 रुपया दे देता है. और जब मेरा इनकम टैक्स फाइनली एक साल बाद रिटर्न फाइनल होता है तब वो 100 रुपीज मुझे माइनस मिल जाता है. तो मेरा इनकम टैक्स एडवांस में गवर्नमेंट के पास पहुंच गया. दैट इज TDS. वी विल सी दैट इन डिटेल. उसमें टैली में कैसे एंट्री करनी है इन फर्दर एपिसोड्स वी विल सी. नाउ लेट अस कम टू द सेकेंड कैटेगरी ऑफ टैक्सेस विच आर इनडायरेक्ट टैक्सेस. ये इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं वो हम देखते हैं. सो दीज टैक्सेस, these taxes are levied on sale of goods and services and it is the responsibility of collection of tax and depositing to the government lies with the seller and not the SSC. ultimately SSC मतलब क्या? जो finally tax दे रहा है, अपना customer GST tax, indirect tax देता है. तो ये जो customer देता है, हमें tax जो देता है, वो खुद directly government को pay नहीं करता है, वो intermediate के through payment होता है. कोई कलेक्ट कर रहा है कस्टमर के पास और फिर वो गवर्नमेंट को पे कर रहा है. दीज आर इनडायरेक्ट टैक्सेस. एग्जाम्पल्स आर GST, कस्टम्स ड्यूटी एटसेट्रा. तो पहले 1 जुलाई 2017 को GST इंडिया में एप्लीकेबल हुआ. बिफोर दैट इट वॉज एक्साइज टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, वैट टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, सर्विस टैक्स एटसेट्रा एटसेट्रा. दिस वॉज द प्री GST इरा. GST 2017 1 जुलाई को जब मोदी गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया, बिफोर दैट ऑल दीज टैक्सेस आर देयर. वो सबको सब्स्यूम कर लिया, वो सबको मिक्स करके एक फाइनल टैक्स बनाया विच इज GST टैक्स. सो लेट अस सी व्हाट दिस GST टैक्स इज इन डिटेल. उसके कंपोनेंट्स देखते हैं. फर्स्ट थिंग, द GST कलेक्टेड बाय कंपनी इज नॉट पार्ट ऑफ इट्स सेल्स नॉट ऑफ इट्स एक्सपेंसेस. कंपनी तो जस्ट एक एजेंट है, वो कस्टमर के पास से GST कलेक्ट करती है और फिर गवर्नमेंट को पे करती है. इट इज शोन अंडर द करंट लायबिलिटीज टिल इट इज पेड टू द गवर्नमेंट. सपोज दिस मंथ मे मंथ इज गोइंग ऑन एंड आई एम कलेक्टिंग GST फ्रॉम माई कस्टमर्स. मैं कस्टमर्स के बिल बनाता हूँ, कलेक्ट करता हूँ. आई एम गोइंग टू पे माई GST इन जून टू द गवर्नमेंट.
टिल देन द मनी लाइज विथ मी, तब तक पैसा मेरे पास है, तो मुझे टेंशन है सरकार को पैसा चुकाना पड़ेगा नेक्स्ट महीने की 20 तारीख को, तो वो टेंशन मेरी लायबिलिटी है, इसलिए इट कम्स अंडर करंट लायबिलिटीज। ओके, अभी जीएसटी टैक्स जो है इट इज अप्लाइड एट द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन, सो इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। एक आइटम एक दूसरे को बेचता है, दूसरा तीसरे को बेचता है, तीसरा चौथे को बेचता है, एंड पॉइंट लास्ट फोर्थ पर्सन अगर उसे कंज्यूम करता है तो वो फोर्थ पर्सन एक्चुअली गवर्नमेंट को पे कर रहा है, बीच में तो खाली ट्रांसफर हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, इसलिए इसे डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स भी कहा जाता है। ओके, इंडिया में ड्यूअल जीएसटी मॉडल इंप्लीमेंट किया गया। इसमें क्या होता है, एक होता है कंपोनेंट, उसका एक पार्ट होता है जीएसटी का सेंट्रल जीएसटी, दूसरा होता है स्टेट जीएसटी, या अगर आप यूनियन टेरिटरी में है तो यूटी जीएसटी, थर्ड कंपोनेंट इंटीग्रेटेड जीएसटी जो इंटर स्टेट सेल पे लगता है, जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बेचते हो तो आईजीएसटी लगता है, विद इन सेम स्टेट अगर मैं गुजरात में हूं एंड आई एम सेलिंग विद इन गुजरात देन सीजीएसटी एंड एसजीएसटी विल बी एप्लीकेबल। सो इफ माय आइटम इज अट्रैक्टिंग 18% ऑफ टैक्स देन 9% विल बी सीजीएसटी एंड 9% विल बी एसजीएसटी। तो ये सब कॉम्पोनेंट है जीएसटी के। एक और कंसेप्ट हमें सीखना है, इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम। ये पहले के सिस्टम में टैक्स के ऊपर भी टैक्स लगता था, जीएसटी में ये सिस्टम कास्केडिंग इफेक्ट निकाल दिया गया है। कैसे, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, लेट अस अंडरस्टैंड। सपोज मैंने 100 रुपीज का कुछ परचेज किया, उसके ऊपर 18% जीएसटी लगा, तो 118 मेरा परचेज है, और सेम आइटम को मैंने 200 रुपया प्रॉफिट में मार्जिन में 300 रुपीज में बेच दिया, तो 300 रुपीज का 18% 54 रुपीज लग गया, तो कस्टमर अल्टीमेटली 54 रुपीज गवर्नमेंट को दे रहा है और 354 रुपीज का मैंने बिल बनाया, बट आई डोंट हैव टू पे 54 रुपीज टू द गवर्नमेंट, मैंने पहले ऑलरेडी 18 रुपीज गवर्नमेंट को चुका दिया है, तो 18 रुपीज इज अवेलेबल एज इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड 54 माइनस 18 नेट 36 रुपीज ओनली आई हैव टू पे टू द गवर्नमेंट। सो दिस 18 रुपीज इज कॉल्ड एज इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम। सो वी विल कीप लर्निंग सच काइंड ऑफ कंसेप्ट्स। प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी डन सो, लाइक इट, शेयर इट, put your comments in, and in our student app please attempt the test, ek jackpot test hai jisme aapko tally ka original certificate milne ka chance hai, to aap student app ke andar aap zarur se ye test dijiye aur bahut sare dusre test hai wo bhi dijiye, and please put your comments, thank you, see you again, bye।